ज अबाउट द यूज ऑफ एप्लीकेशन अक्विपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सैरिकल्चर 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 इज एक्चुअली इन सैरिकल्चर व कैटरपिलर ऑफ डोमेस्टिक सिल्क मॉथ दैट वी कॉमनली कॉल्ड रेशम का कीड़ा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रेशम का कीड़ा जो है उनसे रेशम हासिल किया जाता है तो दिस इज द एक्चुअली सिल्क वम दैट इज बॉम्बैक्स मॉरी दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क वर्म वी यूज मोस्टली बॉम्बेक्स मॉरी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फॉर द रेरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स एंड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क वी नीड डिफरेंट फॉर सेरिकल्चर इंडस्ट्री दिस इज दिस इज द सेरिकल्चर इज द कॉटेज इंडस्ट्री फॉर दिस पर्पज वी नीड प्लानेशन वी नीड मलबरी लीव्स इन लार्ज अमाउंट वी नीड द सेरिकल्चर यूनिट एंड बॉम्बेक्स मॉरी सिल्क वम एंड वी नीड द एकमेंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ककून एक्चुअली सैरिकल्चर इज द काटेज इंडस्ट्री फॉर दिस काटेज इंडस्ट्री वी हैव टू कल्टिवेट द मलबरी लीव्स अगर आपने सेरिकल्चर की कॉटेज इंडस्ट्री आप डोमेस्टिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि आपको मलबरी लीव्स मलबरी प्लांट्स जो हैं वो आपको कल्टीवेट करने हैं शहतूत जिन्हें कहा जाता है और उन पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं उसके बाद जो है आपको सेरिकल्चर का यूनिट रिक्वायर्ड होगा इसमें बॉम्बेक्स मॉरी रेशम के कीड़े रिक्वायर्ड होंगे उनके सीड्स रिक्वायर्ड होंगे एंड देन एक द प्रोसेसिंग ऑफ ककून फॉर द रेयरिंग ऑफ सिल्क वम ऑन फॉर द रेडिंग ऑफ सिल्क वम वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वम और बॉम्बिक्स मोरी जब आप किसी एनिमल की रेडिंग स्टार्ट करते हैं किसी इंसेक्ट की रेडिंग तो उसके लाइफ साइकिल की कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए उसका लाइफ साइकिल क्या है uh, कौन कौन सी स्टेजेज़ हैं मेटामॉरफोसिस हो रहा है कितने इंस्टार्स हैं और क्या फूड है फिजिकल uh, फैक्टर्स कौन से हैं टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है ह्यूमिडिटी है और आ, कौन से सीजन में ये रेयर होगा इसकी फूड जो है वो आपको पहले से ग्रो करनी है तो ये सारे फैक्टर जो है वो लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप जो है कंसीडर करते हैं एक्चुअली फीमेल सिल्क वम मौत जो है वो एग ले करती है और उसके बाद उन एग्स को वी हैव टू कीप अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर दीज एग्स एंड देन दीज एग हेट्स एंड मरज फ्राम दीज एग्स देर आर डिफरेंट लारवल इन स्टार्ज ऑफ सिल्क वर्म डिफरेंट लारवल इन स्टार्स हैं और इन स्टार फर्स्ट फर्स्ट इन स्टार सेटार थर्ड फोर्थ इंस्टार फिफ्थ इंस्टार एंड देन दीज इंस्टार्स आर वोशियस फीडर दे ईगरली इट दंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ मलबरी लीव्स मलबरी लीव जो हैं वो स्मॉल पीसीज में कट करके तो उन पे इनको ग्रो करवाया जाता है सिल्क वम के रेशम के कीड़े के इंस्टार जो हैं लारवल इंस्टार हैं कैटर पिलर्स जो होते हैं वो इन पे ग्रो करते हैं फूड कर, एज फूड इनटेक करते हैं मलबरी लीव से और उसके बाद जो है ककून फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है काकून फॉर्मेशन के बाद अगर कोकून हम उनमें से हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हमें सिल्क के लिए प्रोसेस हो जाएगा अदरवाइज जो फीमेल है वो एग ले करेगी सेवरल कैटर पिलर फॉर्म स्टेज पे जो है वो थ्रेड की बनाते हैं कॉल्ड और उसके बाद जो है उस थ्रेड से यान धागा बनाया जाता है और जो कि एक सेपरेट प्रोसेस है धागा बनाने का कि ककून हार्वेस्टिंग के बाद उनसे थ्रेड कैसे बनाया जाता है एज यू कैन सी दायाग्राम this is the life cycle of silkworm adult female moth lays egg and these legs these eggs uh, after hatching uh, at larval stage they consume the mulberry leaves and then the larval stage caterpillar and then caterpillar grows to the pupa stage at pupa stage इट फॉर्म्स अ काकून इट वेव आ काकून प्यूपा स्टेज पे जो है य, आ, ये इंसेक्ट जो है वो अपने इर्द गिर्द थ्रेड बना लेता है एक ककून बना लेता है और उसके बाद जो है इसे हार्वेस्ट किया जाता है फॉर यान पर्पजेज फॉर थ्रेड पर्पज़ और अगर इन ककून को हम हार्वेस्ट नहीं करते तो ये एनिमल ग्रो करके मौत में कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अडल्ट फीमेल जो है एग ले करेगी इन सेरिकल्चर इंडस्ट्री वो रेयर सिल्क वन फॉर रेयरिंग परपजेज फार्मर्स कॉमनली क्या करते हैं कि वो एग बाय करते हैं एग्स के पैकेट मिलते हैं और चाइना पाकिस्तान इंडिया इन नेबरिंग कंट्रीज में जो है वो बहुत ज़्यादा रेयरिंग है सिल्क प्रोडक्शन का जो है वो उनकी यील्ड बहुत ज़्यादा है सिल्क प्रोडक्शन में फार्मर्स एग बाय करते हैं और इन एग्स को एक खास टेम्परेचर दिया जाता है जिससे एग हेज करते हैं और लावा अमर्ज होता है लार्वल इंस्टार्ज हैं लार्वल इंस्टार्ज जो है वो फीड इनटेक करेंगे और उसके बाद प्यूपा और प्यूपा जो है वो फिर कोकून डेवलप करेगा ट्रेज में कन्वर्ट किया जाता है और ये सारा प्रोसेस जो है एग्स के जैसे ही एग हेच करते हैं इनको ट्रेज में कन्वर्ट किया जाता है वो ट्रेज जहाँ पे मलबरी लीव्स को स्मॉल पीसीज में कट किया जाता है और वो ट्रेज जो है वह वहाँ पे ये ग्रो करते हैं और उसके बाद जो है इनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि ये ककून सिंथिसाइज कर सके वहाँ पे ऐसी स्टिक्स होती हैं जिनके दरम्यान जो है ये काकून सिंथेसाइज करते हैं ककून जो है उसके बाद आ, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क है तो ककून हार्वेस्ट किए जाते हैं उतारे जाते हैं उन स्टिक्स के साथ से और उन ककून को फिर बॉयल किया जाता है और वहाँ से फाइनली जो है इक्विपमेंट एक, एक के थ्रू जिस तरह के जो है अगर हम बैक थोड़ा सा इराज में जाए तो वहाँ पे धागा बनता था चरखे से तो सेम इस तरह की एक मशीन है जिससे इस ककून से फाइन थ्रेड जो है उसको यान में कन्वर्ट किया जाता है और बाय प्रोडक्ट क्या है कि शहतूत के पत्ते जो मलबरी लीव्स यहाँ पे यूज होते हैं एज ए फूड फॉर द कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क वम वो, उनकी स्टिक्स जो है वो बास्केट मलबरी बास्केट्स बनाई जाती हैं जो आपने कॉमनली लाइफ में देखा होगा फ्रूट बास्केट्स तो उनका ये जो है वो बास्केट्स जो हैं वो मलबरी स्टिक्स का बाय प्रोडक्ट है एज़ यू कैन सी इन दिस डायाग्राम देर आर द डिफरेंट स्टेजिज ऑफ सेरिकल्चर इंडस्ट्री दिस इज़ दॉटेज इंडस्ट्री एक्चुअली कॉटेज इंडस्ट्री है तो आप इसको लोकल लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं लोगों ने घरों में स्टार्ट किया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने जो है वो आम चारपाइयों पर इनको ग्रो कर सकते हैं इसके अलावा एक डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ट्रेज बनी हुई हैं रैक्स बने हुए हैं तो उन ट्रेज में इनको ग्रो किया जाता है स्मॉल स्पेस में भी आप मल्टीपल जो है रैक्स और ट्रेज में इनको ग्रो कर सकते हैं घरों में आम लोगों ने चारपाइयों पे ग्रो किए होते हैं और उसके बाद जो है उनको ऐसी स्टिक्स जो है ये जैसा कि आपने देखा हार्वेस्टिंग हो रही है और लोग जो है वो लेबर जो है फार्मर्स जो हैं वो ककून को सेपरेट कर रहे हैं उन स्टिक्स के साथ और ककून फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली प्यूपा स्टेज पे होती है जिसमें वो फाइन थ्रेड जो है वो अपने इर्द गिर्द सिंथिसाइज कर लेता है और जो है राइट साइड पे जो डायग्राम है टेल टू टेल एंड मेटिंग है जिसमें मेल फीमेल टेल टू टेल एंड मेटिंग है फॉर द मेटिंग दे यूजेस देयर टेल्स एज यू कैन सी इन द डायग्राम एंड आल्सो अडल्ट मॉथ आर अमरजिज फ्रॉम द काकून एज यू कैन सी इन द डायग्राम अडल्ट मॉथ आर अमरजिंग फ्रॉम दिज ककून And this is the egg eggling stage of this adult female moth, and this is the tail-to-tail -tail and mating. These are the caterpillar that are voracious feeders of the mulberry leaves, and this is the cocoon formation. This is the harvesting of the cocoon. These are the eggs. This is the caterpillar, and then cocoon formation. This is the adult stage of the silkworm moth. एक्चुअली इन पाकिस्तान वी हैव सैरिकल्चर डिपार्टमेंट वी हैव सैरिकल्चर इंडस्ट्री आपने सुना होगा कि छांगा मांगा में वहाँ पे भी सिल्क वम की रेयरिंग है और प्रॉपर सेटअप है जहाँ पे मलबरी जो है कल्टीवेट किया जाता है शहतूत उगाया जाता है और उसके बाद जो है रेयरिंग है उनके नेबरिंग सराउंडिंग एरियाज जो है वहाँ पे जितनी भी फार्मर्स हैं वो इस कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और वो अपने घरों में रेयरिंग करते हैं एज वी कैन सी इन दिस डायाग्राम दिज आर द एग्स ऑफ द सिल्कवम बॉम्बेक्स मॉरी रेशम का कीड़ा भी जिसे कहा जाता है ये उसके एग्ज हैं दिज एग्स देच एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड दिस इज द अडल्ट दिस इज द कैटरपिलर दिस इज दार्वल स्टेज ऑफ सिल्कवम दिस इज द काकून एंड आफ्टर हेचिंग फ्राम दिस काकून दिस यंग वन दिस अडल्ट दिस मॉथ अमरजेज फ्राम दिस काकून और सिल्क बम की रेनिंग जो है वो ख़ास एक टेम्परेचर है जिसपे होती है बिफोर समर और आफ्टर विंटर ऑलमोस्ट जो है वो जनवरी टू मार्च तक इसकी होती है और उसके बाद जो है आफ्टर समर जो है सितंबर टू नवंबर तक है इसकी रेनिंग और इसका जो है ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव डेज का साइकिल है टू टू थ्री मंथ्स में जो है वो टू मंथ में आलमोस्ट कम्प्लीट हो जाता है इसका लाइफ साइकिल और ये स्मॉल पीरियड में जो है एक अच्छी आ, सोर्स ऑफ अर्निंग है यंग वन स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पीपल के लिए और फार्मर्स के लिए कि अगर हम इसको अडॉप्ट करें और चाइना इंडिया इनमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर काम हो रहा है सैरिकल्चर पर एज यू कैन सी इन दिसग्राम दीज आर दिफरेंट रैक्स एंड दीज आर दिल्क वम तो आप एक रूम में जो है इस तरह का जो है रेयरिंग ट्रेज रेयरिंग रैक्स जो है उनको सेटअप के बाद जो है वो स्मॉल स्पेस में भी आप लार्ज स्केल पे जो है सिल्क वम को रेयर कर सकते हैं वहां पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेनटेन कर सकते हैं In this diagram, as you can see, the caterpillars are voracious feeder, they are eating the leaves of mulberry. This is the large um, view of these caterpillars. And then after these caterpillars, this is the cocoon formation. This caterpillar forms this cocoon. This is the cocoon, this is the fine thread. Actually, caterpillar kya karta hai? pupa stage. Pe jo hai

ककूंस ये आप देख रहे हैं कि इस ककून से जो है ये यंग uh, जो है मौत वहाँ से अमर्ज हो रहा है इस ककून से अगर हम इसको हार्वेस्ट नहीं करते तो इस ककून से ये प्यूपा के बाद अडल्ट मौत में जो है कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है ये इस ककून से बाहर आ जाता है और आफ्टर दैट दिस इज़ द एगल स्टेज ऑफ अडल्ट फीमेल ऑफ बॉम्बेक्स मोरी अगर हम इसको ककून स्टेज पे हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर आ, जो है इंसेक्ट डेड हो जाता है क्योंकि ककून को बॉयल करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए हॉट वाटर में तो उसके बाद जो है एनिमल डेड हो जाएगा लेकिन अगर हमें एग लेंग स्टेज तक लेके जाना है तो फिर हम ककून को बॉयल नहीं करेंगे बल्कि जो है प्यूपा से मौत में कन्वर्ट होने देंगे और मौत जो है वो फीमेल मौत बाद में एग लेंग करती है एंड दिस इज़ द हार्वेस्टिंग ऑफ काकून ये आप देख लें कि लोकल जो है फार्मर्स पीपल जो है वो ककूंस को सेपरेट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो थ्रेड के लिए जो है फर्दर प्रोसेस किया जाता है